इंडिया हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, मैं अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता, मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फारजू और ब्रिगेडियर साहब को, दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी है पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं सर कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। वैभव, आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है, तो आई थिंक वैभव कैन।